लाडवा किसीवाला रामकुंडे के अंदर लाडवा हलके की कांग्रेसी पार्टी के नेताओं द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा से प्रत्याशी निर्मल सिंह ने कहा कि मंगलवार सुबह वह कुरुक्षेत्र से अपना नामांकन पत्र लोकसभा चुनाव के लिए भरेंगे, जिसको लेकर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कुरुक्षेत्र पहुंचे। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने केवल झूठ की राजनीति कर पिछले 5 साल सत्ता में राज किया है, अब समय आ गया कि भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। वहीं पूर्व विधायक रमेश गुप्ता, जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन मेवा सिंह व पूर्व सांसद कैलाश सैनी सहित अनेक नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बैठक में उपस्थित रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर निर्मल सिंह को कांग्रेस पार्टी के कुरुक्षेत्र से टिकट मिलने को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं समझता हूं ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ही मीटिंग है, कोई पब्लिक मीटिंग है नहीं है, पर कल भी कार्यकर्ताओं की लाई गई है, नॉमिनेशन है, आप सबने हम आगे वहां आना है, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन सीधा लास्ट इंप्रेशन। मेरे वाले मैं आप बैठे और ये क्षेत्र की भूमि मेरी कर्म भूमि है, डॉक्टर सिवाय लड़ता था जो कि शाह पास पास के गाँव के साथ साथ आपकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ साथ जिसके गाँव है कभी दिल्ली इकट्ठे भी थे क्षेत्र और पहाड़। आज मुझे पत्रकार ने कहा कि आप भारी हो, ये बात मुझे स्वीकार नहीं थी। मैं यहाँ भारी नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, आप में से एक आपका भाई हूँ, मैं नकल से बना, मैं छोटा था 27 साल का हाउस में सबसे छोटा था, मिस्टर भी सबसे छोटे बनाना पड़े, लेकिन मुझे इतनी दूर समझ थी कि मैंने राजनीतिक ताकत के बिना कोई क्षेत्र आगे नहीं बढ़ सकता, उसके पीछे जाता है। और इसी धैर्य के साथ मेरे साथी राजनीति में उतरे कि अपने इलाका को शासी तौर पर मजबूत करेंगे, जागरूक करेंगे। हमें मोटी मोटी सुन रखी थी कि जब साझा पंजाब था कैरोपुर था, उसके बाद हरियाणा तक हुआ, बंसी लाल चौधरी देवीलाल भजन लाल भूपिंदर सिंह हुड्डा जहां जहां जितनी सीट थी वो इलाके थे, आपका दरखेज इलाका था। हरियाणा के निर्माण में इसकी एक अहम भूमिका है, यहाँ की स्थिति में उपजाऊंगा, यहाँ का किसान बहुत मेहनती है, लेकिन तरक्की में आ रहा हूँ रिश्तेदारियों की संख्या। मैंने देखा है यहाँ कभी कांग्रेस का सिक्का चलता था, कहीं से भी उम्मीदवार पे तो जीत जाता था, नकल में भाग से आया करते थे, खाल उतर खोवा खा जैसे लोग चट्ठा और सब ये वहाँ आए, लोगों ने दिल से लगा लीडरशिप का अभाव था। जब हमने वो संभाली अपने दावेदारी पर की हमें मौका मिला, मेरे तो विश्वास ही नहीं था और मैं इलेक्ट भी हुआ, लोगों ने मेरा साथ दिया। और यही नहीं, इसी इलाका के कोर की राजनीति से घर की राजनीति रही, आप मेरे प्रति हम सफर रहे हो। हरियाणा की राजनीति में आपने मेरे साथ बहुत उतार चढ़ाव देखे, संघर्ष देखे, तकलीफें भी उठाई, ऐसा ऐसा वक्त भी आया कि मुझे बहुत ही गंदे हालात में चुनाव मिला, मिलना कुछ नहीं था, निजी लड़ाई किसी से नहीं थी, सिर्फ हिस्सेदारियों की। जब आप मांग करते हो, जब नौकरियों में सर मांगते हो, डेवलपमेंट के पैसों का हिसाब लगने जाते हो, स्टेट का बजट कितना है, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, बिजली का बिल कितना मांगे हैं, जब मुख्यमंत्री से कड़वी बात करते हो तो मैं देखा कि मुख्यमंत्री के मुंह में लोहे के काम